मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ बर्तन धो धो के। घर में इतने काम रहते हैं ना, ऐसा लगता है कि इससे पूरे दिन घर का खाना बनाने और बर्तन धोने में ही समय निकल जाता है। खुद के लिए तो समय ही नहीं दे पाते बिल्कुल भी। ना तो हेयर केयर हो पाता, देखो ना बाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूंछ की तरह हो गया है, और स्किन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और सर्दी आ रही है, सर्दी में बिल्कुल भी ना बर्तन धोने की इच्छा नहीं होती। ऐसे मेरे शोल्डर में बिल्कुल पेन हो रहा है, बर्तन धो धो के हाथ बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा है रूखे हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं ना कि एक बर्तन धोने की मशीन है उसमें कितना हेल्पफुल रहता है बर्तन धोने के लिए। और मैंने सुना है कि टाइम भी बहुत बचत हो जाता है, और सर्दी में हम महिलाओं के लिए तो वरदान है अगर बर्तन धोने वाली मशीन है तो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बर्तन धोया जाता है मशीन में और हम कितना टाइम बचत कर सकते हैं। क्या पता कुछ टाइम बचत करके हम अपनी केयर भी कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं फिर किस तरह से मशीन में बर्तन धोया जाता है। इसमें दो स्टैंड होते हैं, नीचे जो होता है वो बड़े बर्तनों के लिए होता है और ऊपर के स्टैंड छोटे बर्तन के लिए होते हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें प्लेट वगैरह लगाया जाता है या फिर बड़े बड़ी जो थालियाँ होती हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ स्टैंड ऊपर करके, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, बट हमारे पास बड़ा बर्तन है तो उसको फिर से नीचे करके और वहाँ पे स्पेस बन जाता है, जैसे अभी नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस बन गया। यहाँ पे कढ़ाई, ये भगोना, ये कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस बन जाता है। अब ये ऊपर वाले स्टैंड है तो इसमें साइड में हम छोटे छोटे चम्मच वगैरह लगा सकते हैं, और बीच में ग्लास होता है, कटोरी होता है, तो वो सब चीजें हम ऊपर में रख सकते हैं। ये नीचे फैन टाइप का दिया हुआ रहता है जो कि बर्तन को क्लीन करने में काम आता है। अब ये मशीन के अंदर का है पार्ट जो कि इस तरह से दिखता है नीचे वाले स्टैंड के पीछे। बर्तन धोने के लिए जो साबुन का यूज करते हैं वो लिक्विड होता है, ये मैं लिक्विड शो कर रही हूँ, और ये पाउडर है। तो इसमें दो साइड होता है, एक साइड जो लिक्विड डालता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विड डाल रहे हैं, और अदर साइड पाउडर डालेंगे। यहाँ पे पाउडर डल रहा है, इससे बर्तन साफ हो जाते हैं। गंदे बर्तन हम किचन वाला डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हम पानी डाल के थोड़ा सा खंगाल डालें तो और बेटर है, पर भाई ने ऐसे ही डाल दिया, पर कोई इश्यू नहीं है, साफ हो जाता है। और इसके साथ हमारी जो मशीन है वो भी साफ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बर्तन है वो लगा दिए हैं दोनों स्टैंड में, और अब क्लीन होने के लिए जो दाल गिर गया है मशीन में वो भी साफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी साथ के साथ धुल जाते हैं, मशीन भी साफ हो जाती है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे इनर वॉश के लिए P0 है, उसका बटन हमें प्रेस करना है P0 का, और हमें अगर प्री वॉश करना है, जैसे बर्तन डालने से पहले अगर हम चाहते हैं कि मशीन को साफ कर ले तो उसके लिए हम P8 बटन प्रेस करेंगे, और हमें ग्लास का बर्तन साफ करना है तो उसके लिए अलग है, जैसे P6 है। तो इस तरह से सबका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का भी बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने P4 सेलेक्ट किया है क्योंकि नॉर्मली हमें डिश वॉश करना है, हमारे पास कोई सेंसिटिव बर्तन नहीं थे, स्टील के बर्तन थे, तो ये इसको हमने P4 पे सेलेक्ट किया है, और इसको 2 घंटे के लिए सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बट जितने टाइम में ये मशीन में धो रहे होते हैं बर्तन साफ हो रहे होते हैं, तो उतने टाइम में हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से डिश वॉश करके मशीन दे देती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि बर्तन सभी हमारे साफ हो चुके हैं, और साथ ही साथ हमारी मशीन भी साफ हो चुकी है, जैसे जो दाल वगैरह गिर गया था तो वो सब भी साफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके सब दिखा रही हूँ आपको, कि छोटे बड़े बर्तन सभी साफ हो चुके हैं, और ये हल्के बॉयल वाटर में साफ होते हैं, जिससे कि तेल वगैरह का जो चिपचिपाहट रहता है वो सब खत्म हो जाता है, और ये जम्स फ्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छा से क्लीन हो जाता है, कोई इसमें शिकायत नहीं रहती है,
और ये साफ होकर बर्तन सूख भी जाते हैं, तो हमें अलग से बर्तन पोंछ के स्टैंड में लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी धोकर सुखाकर हमें मशीन देती है, तो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। देखा आपने कैसी लगे मशीन, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और घर में दो टाइम तो हम लोग बर्तन धोते ही हैं, सुबह और शाम, एटलीस्ट दो टाइम तो धोते ही हैं, और उसमें बहुत समय चला जाता है। अगर उस टाइम में हम मशीन में अगर हम बर्तन धोते हैं तो वो टाइम का यूज हम अपने लिए कर सकते हैं, और टाइम के कमी रहने के कारण हम लोग बैलेंस डाइट भी नहीं ले पाते सही से, तो उस टाइम में हम लोग अपनी केयर कर सकते हैं। और खुद की केयर करना तो बनता है ना, हम लोगों का अधिकार है, क्योंकि घर में इतना मेहनत करते हैं हम लोग, तो खुद की केयर तो करना बनता है। तो इसलिए टाइम जरूरी है, टाइम मिलेगा तभी तो हम लोग कर पाएंगे। तो ये मशीन हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, और हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और मैंने भी यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आपको मशीन परचेज करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।